स्टूडेंट से इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के साथ भीड़ देखकर ये मत सोच लेना वो बहुत ही अच्छा होगा। अपना खुद का सोच पैदा करना जिंदगी में। किसी के राह पर चलोगे तो कुछ नहीं बनोगे, अपनी राह बनाओगे तो बहुत कुछ बन पाओगे। जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई छू लेना, बहुत तरक्की करें आप लोग, बस एक ही बात देख लेना, आपके पांव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। जमीन से जुड़े रहकर तरक्की करोगे तो स्थायी रहेगी, जमीन से पांव उठकर तरक्की करोगे तो गिरोगे तो पता भी नहीं लगेगा आप कहां पर मौजूद थे। और जिंदगी में खूब हंसो, लेकिन एक बात देखते रहना कि वो हंसी आपने किसी के आंसुओं की कीमत पर तो हासिल नहीं की है। मैं किसी आप एक आगे जाकर आपका करियर शुरू होने वाला है। इस देश में व्यापारी बड़ा इंटेलिजेंट है। सादरा में कुछ साल पहले मैं गया, वहां पर एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय और नीचे लिख दिया हमारी नई दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय उसका क्या बिगाड़। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेंक दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार ही निपटा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैं कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई भी टिम्बर की दुकान नहीं, बोले बड़े वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में दो पंक्ति कभी आपकी जिंदगी बदल दे तो मुझे याद कर लेना। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी कहोगे बढ़िया नौकरी है, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जाना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। यहाँ तो आप स्टूडेंट से, वरना मेरे प्रोग्राम में तो 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आता है, इसलिए नहीं लाता कि उसे प्यार करता है, इसलिए लाता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहना चाहता है। भाई मर्द के बच्चों तो खुद बोलो अपनी लुगाई, वहां सबकी टह बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कह दियो भाई। या देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा सोसी समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे ही जैसे संतों की आवश्यकता। औरतों को तो राजा राम मोहन राय मिल गए थे, पतियों को तो हजारों साल की तपस्या के बाद एक संत धरती। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत संत घूम रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्केट वाले संत घूम रहे हैं। किसी भी संत के पास चले जाओ, एक ही बात कहेगा माया त्याग दो। बोले क्या करें, बोले मुझे दे दो। हर एक साधु चाहता वो तो करोड़पति बन जाए, राम बाबा जी बन जाओ। धर्म का जितना सत्यानाश 10 साल में धर्म गुरुओं ने किया है, किसी ने भी इस धरती पर नहीं। पहले लोग सब कुछ छोड़ने के लिए साधु बनते थे, अब सब कुछ पाने के लिए लोग साधु बनना सीखे। ओशो ने एक बात कही थी, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं। आगे बैठकर मत बात कीजिए, बड़े आगे बैठो तो सलीके से बैठो, चुप बैठिए। नहीं, सलीका हर एक को आना चाहिए।
ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ पर आपको रोना आता है, और तालियां इस बात पर चाहिए। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मैं कहता हूं जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी के आंसू पोंछ दीजिए, फिर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता है। अभी मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा वहां पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते हैं, यही करने की बात नहीं, गंभीरता से सोचने की बात। अमेरिका में सड़क पर चलते चलते पति पत्नी प्यार कर ले, ट्रेन में बैठे बैठे पति पत्नी प्यार कर ले, हिंदुस्तान में पति साला घर में प्यार नहीं करता, बाहर की तो बात। इतना प्यार करते अमेरिका में पति पत्नी कि उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो गया, फिर वो तलाक ले लेते। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ पतियों, आपको अगले जन्म में दूसरी पत्नी चाहिए, तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, बस कोटा पूरा कर ले, बस भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा, और नई कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली। हंसने की बात नहीं है, कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साड़े के दिल में खोट है। मैं तो टेक्निकल बात बता दिया। अच्छा, मैंने रिसर्च की, हाँ, इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों? हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब नारियों से मिलती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ, आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में आया? हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास, जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसलिए एक तो जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितने दिए पहनने उसके पास, पावरफुल आदमी इतने कम कपड़ों में ठंड में बैठेगा, गले में सांप और डाल दिया भाई, थोड़ी बहुत कसर बची थी ठंड में तो जटा से गंगा और निकलवा दिया, पीने को मांगा तो विष पिला दिया, ऐसे में आदमी टांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा भाई? दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया, वो भी समुंदर में, दूर दूर तक पीने का पानी भी नसीब नहीं हो सकता। एक को सांप के ऊपर डाल दिया, दूसरे के ऊपर सांप डाल दिया। अच्छा, दोनों आपस में रोना भी नहीं रो सकते, एक पहाड़ पर बैठा है दूसरा सागर में लेटा है, वरना दुखी पति आपस में बात करके अपना जी हल्का कर ले। अच्छा, एक हमारी जान को आगे करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे, इधर व्रत टूटा उधर पति साहब, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे कि लुगाई नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती है, एक व्रत ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुखाम भी हो, हम तो बदला भी नहीं निकाल सकते। अब मेरी घरवाली को कोई भी चीज चाहिए वो करवा चौथ वाले दिन मांगती, अभी करवा चौथ वाले दिन बोली सोने का सेट दिला, मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता, बोली व्रत तोड़ू के, अंदर से रोटी ले आई, बोले ला रहा है कि खाऊं, अरे मैंने प्राण जाएंगे इससे अच्छा ले आओ, विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं इसलिए वहां तलाक हो जाते। अभी कुछ साल पहले मैंने अपने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी, आपकी जानकारी बता। देखा किसी की तकलीफ में लोग किस तरह से ताली बजाते, जब आपकी 25वीं मनेगी और मैं ताली बजाऊंगा तब इस पूरे का पता लगा। मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम सबको श्राप देता हूं, जाओ हरेक की 25वीं मने, अमेरिकन होता तो 25वीं लुगाई की मना रहा।
करवा चौथ नहीं होता ना वहाँ। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी की तरह हैं, मिलो मत साथ जरूर चलना। अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं, ना इसको इधर जाने देते ना उसको इधर जाने देते। अच्छा साहब, इस देश में हर एक पत्नी पति को एक धमकी जरूर देती, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हूँ, वरना कब की निकल जाती। अब मैंने लुगाई से कहा, मैंने देख सारे बच्चे ब्याह लिए, अब तो निकल ले। बोले ना, जरा पोते का ब्याह और देख ले। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन परिवारों ने अपने बच्चों के स्लीपर मजबूत रख लिए, वो पति पत्नी खट्टे रह गए, जिनके ये स्लीपर कमजोर हो गए, वो पति पत्नी